गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। आप लोग अपनी कंप्यूटर्स की बुक का चैप्टर नंबर 4 निकालेंगे एंड लेट्स रिव्यू व्हाट वी हैड इन द प्रीवियस क्लास। प्लीज ओपन पेज नंबर 52, दिस इज योर बुक। ओपन योर पेज नंबर 52 ऑफ योर बुक। देयर द नेम ऑफ अ चैप्टर इज एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एमएस पावरपॉइंट 2010। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि कैसे हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, पावर पॉइंट क्या है। पावर पॉइंट इज एक्चुअली यूज्ड टू मेक अ प्रेजेंटेशंस, द प्रेजेंटेशंस व्हिच वी स्टूडेंट्स यूज, द टीचर्स यूज, प्रेजेंटेशंस वी यूज इन द ऑफिसेस। सो टू एंड इट इज एक्चुअली यूज्ड टू प्रोवाइड गिवन इंफॉर्मेशन टू नंबर ऑफ पीपल। एंड जैसे मैं भी यहाँ पे आपको कोई चीज पढ़ा रही हूँ तो मैं एमएस पावर पॉइंट को यूज करते हुए ये स्लाइड्स बनाती हूँ और वो स्लाइड्स आपको प्रेजेंट करती हूँ। जैसे कि जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो जिस तरीके से हम कंप्यूटर्स पढ़ रहे थे तो वो मैंने एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन पहले बनाई एंड देन आई हैड अ वॉइस ओवर ओवर दैट प्रेजेंटेशन। फाइन। सो हमने पढ़ा था कि कैसे हम चार्ट इंसर्ट करते हैं। चार्ट्स क्या होते हैं, है ना। चार्ट्स क्या होते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ट। चार्ट क्या है, डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। मतलब मैथ्स का जैसे हमारे एक सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हैं, अब उसको यूजिंग अ चार्ट रिप्रेजेंट करना सो दैट जैसे ही हम देखें हमें वो डेटा को पढ़ना ना पड़े और हम उस ग्राफ को देखकर अपने आप समझ पाए कि क्या है, ठीक है। प्लस हमने टाइप्स ऑफ चार्ट्स पढ़े थे। टुडे वी विल टॉक अबाउट टेबल्स, वर्किंग विद टेबल्स। टेबल्स क्या होती हैं, टेबल्स क्या होती हैं, ये आप देख रहे हैं। आप लोग ने एमएस एक्सेल देखा होगा, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे ये डब्बे होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, है ना। अब इन बॉक्सेस को क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड सेल। एंड ये क्या कॉम्बिनेशन ऑफ, ये ऐसे आप ऐसे जाएंगे हॉरिजॉन्टली इज रोज, जब आप वर्टिकली देखेंगे तो वो होते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो अब इसको हम अपने एमएस पावर पॉइंट में कैसे हम टेबल्स को इंसर्ट करते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमें कोई एक्सेल का पेज हमारी प्रेजेंटेशन में लगाना हो जिसमें हमें दिखाना हो कि डेटा दिखाना हो, पॉपुलेशन का डेटा दिखाना हो, तो हम इसको चार्ट टेबल को सॉरी इंसर्ट कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ठीक है। लेट्स सी कैसे हम करते हैं। ओके, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज टेबल। टेबल्स आर यूज्ड टू प्रेजेंट न्यूमेरिकल डेटा और इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल इज व्हाट, नंबर्स, नंबर वाले डेटा को और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करना। अब मैं क्या है, अगर मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सिंपल लिख दू मैन इक्वल्स टू 100, वुमेन इक्वल्स टू 200 एंड उसके अंदर कुछ बायफर्केशन देनी हो, तो इससे अच्छा होता है कि हम उसको टेबल में पुट करें। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दू मैन, उसका टोटल नंबर लिख दू, वुमेन यहाँ पे मैं आप उसमें मुझे एज भी बतानी है कि इस इनमें से कितनी एज की जो विमेन है वो 18 से अब है या 18 से कम है, तो प्रॉपरली एक फॉर्म में एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल डेटा को, नंबर्स को प्रेजेंट कर पाते हैं अपनी टेबल्स में, ठीक है। टेबल्स आर ग्रिड ऑफ सेल्स। ग्रिड मतलब ये सेल्स, ग्रिड ऑफ सेल्स इकट्ठे बहुत सारी ये बॉक्सेस हैं, दीज बॉक्सेस आर कॉल्ड सेल। अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स, ऐसे हम जाएंगे तो ये होती है हमारी रोज, ये दिस इज वन रो, दिस इज वन रो, दिस इज वन रो। एंड जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं दीज आर कॉल्ड कॉलम्स, फाइन, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन वी इंसर्ट अ टेबल इन टू अ प्रेजेंटेशन। फर्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। आप अपनी बुक में भी देखेंगे यहां पर, सो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो ऊपर होते हैं दीज आर कॉल्ड टैब्स। तो हम क्या करेंगे, पहले इंसर्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे एंड देन विल क्लिक ऑन टेबल। जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे ना, हम देखेंगे वो कुछ बॉक्सेस हैं। अब इसको हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस देखने पड़ेंगे कि कितने रोज और कितने कॉलम्स हमें चाहिए, तो उतने देखो यहाँ पे ऑरेंज से मार्क किया हुआ है, तो हम उतने ही सिलेक्ट करेंगे कि 3 रोज 4 कॉलम्स या जितने भी हमें
रोज और कॉलम्स चाहिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट कर लेंगे वो आप जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाओगे ना, आप देखते जाओगे कि आपकी प्रेजेंटेशन में उतने उतने बॉक्सेस आते जा रहे हैं, मतलब उतने रोज और कॉलम्स आते जा रहे हैं। तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, माउस को क्लिक कर देंगे, बस हटा देंगे। तुम देखेंगे कि उतने नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे प्रेजेंटेशन पर क्या हो गए हैं, आ गए हैं। देन हाउ टू ऐड रो एंड कॉलम, दिस इज हाउ, मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम रो और कॉलम को ऐड करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि मेरी रिक्वायरमेंट 3x3 की थी, 3x3 मतलब कि 3 रोज और 3 कॉलम्स की थी, बट मैंने गलती से 3 रो एंड 2 कॉलम सिलेक्ट कर लिए। अब मेरे को ये प्रॉब्लम आती है कि मुझे तो 3x3 चाहिए थे, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स चाहिए थे, बट गलती से मैंने सिलेक्ट कर लिया 2 कॉलम्स। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे और उसमें ऐड करने हैं। तो जहां पे जैसे मैंने ये मैंने इतने नंबर ऑफ रो, या इट्स बेटर आई कैन एक्सप्लेन यू हियर, मैंने यहाँ पे 3 रोज और 2 कॉलम्स कर लिए। अब मैं क्या करूंगी, जहां पे मैंने ये टेबल को इंसर्ट किया है वहीं पर मैं राइट क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं राइट क्लिक करती हूँ ना, एक मेन्यू ओपन होके आता है। ये आपको और क्लियर होगा जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो जब मैं इस चैप्टर का प्रैक्टिकल कराऊंगी, आप लोग प्लीज अटेंड करके क्लास को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे करना है, मैंने उसको क्लिक किया। अब वो मुझे पूछेगा कि आपको क्या करना है, मतलब आपको लेफ्ट में ऐड करना है, राइट में ऐड करना है, या पूरी रो ऐड करनी है, पूरा कॉलम ऐड करना है। तो इस तरीके से 4 मेन्यूज ऐसे ना बटन आता है, तो जो भी जैसे मुझे चाहिए मैं उस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दूंगी। और क्या होगा, मैं देखूंगी कि एक पूरी की पूरी रो मेरी यहाँ, सॉरी कॉलम मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, फाइन। अब मुझे डिलीट करना है, मुझे नहीं है, मुझे जरूरत इसकी नहीं है, मैं क्या करूं, सेम वही यहाँ पे क्लिक करूंगी, मैं देखूंगी डिलीट, ओके इंसर्ट यूज होगा, मेरे को रो कॉलम इंसर्ट करना है, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या है, मुझे डिलीट करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ, एक मेन्यू बार से मेरे पास ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगी, ठीक है। कुछ में यहाँ पे डिलीट रो कॉलम भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, कुछ में जैसे मैं इस पे डिलीट करूंगी तो जिस तरीके से ये इंसर्ट के ऑप्शन आ रहे थे वैसे ही मेरे पास डिलीट के ऑप्शन भी आ जाएंगे। वहां पे मैं देखूंगी डिलीट कॉलम, ओके कर दूंगी, वो कॉलम जो है डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फोटो एल्बम, ओके लेट्स सी व्हाट इज फोटो एल्बम। क्या होती है फोटो एल्बम, जनरली हम सबके पास अपने घर में कोई ना कोई फोटो एल्बम जरूर होगी, जिसमें क्या होता है कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स होते हैं, हमारी कुछ मेमोरीज होती हैं। आप इसी तरीके से हम अपने पावर पॉइंट में भी एक फोटो एल्बम को क्रिएट कर सकते हैं। वो क्यों, कैसे करते हैं, When a whole presentation is about photos, मतलब पूरी की पूरी एक जो प्रेजेंटेशन, से मैंने 10 पेजेस की एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें नंबर ऑफ 10 पेजेस क्या है, 10 स्लाइड्स हैं, ठीक है, 10 स्लाइड्स हैं जिनकी मैंने, जिनमें सिर्फ फोटोग्राफ है। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, हम क्या कर सकते हैं, उसका एक फोटो एल्बम बना के रख सकते हैं अपने पास, या मेरे पास 10 पिक्चर्स हैं कहीं पर सेव, अब उन पिक्चर्स को मुझे फोटो एल्बम में बनाना है। तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, वो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब पर जाके न्यू फोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे, पेज नंबर 57 पे, ये देखिए इंसर्ट, यहाँ पे हम टेबल पे जा रहे थे, अब हम यहाँ फोटो एल्बम, फोटो एल्बम पे ये देखो छोटा सा ऐसे एक बर्मार्क है, आप देखेंगे इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो इसको बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू का ये आइकन होता है कि इसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ दो तीन चीजें उस पर्टिकुलर ऑप्शन में आपको अवेलेबल हो सकती है। जैसे ये न्यू फोटो एल्बम, मुझे एक नई फोटो एल्बम बनानी है, मैं इस पर क्लिक करूंगी, ठीक है। फिर क्या होगा, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम अपने कुछ पिक्चर्स को मूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने पिक्चर्स का लेआउट। लेआउट क्या होता है कि हम उसे पोर्ट्रेट में चाहें या लैंडस्केप में चाहें, हम वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या है, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, आपके सिस्टम पर कहीं सेव है वो पिक्चर्स, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, ठीक है। अब ये रिमूव भी करा जा सकता है, यहां से वी कैन चेंज द लेआउट, यू कैन सी द लेआउट हियर, एंड क्रिएट, पेज नंबर 58 पर देखेंगे हम लोग,
क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ इमेजेस है एक फोल्डर में सेव. मैं क्या करूंगी, फाइल में जाऊंगी यहां से और उस लोकेशन पर जाऊंगी. जैसे यहाँ पे वेलनेस प्रोग्राम में हेल्दी फूड इमेजेस में जाकर कई सारे इमेजेस हैं, मुझे ये सारी चाहिए, तो मैं एक को सिलेक्ट करके शिफ्ट बटन प्रेस करूंगी, तो सारी की सारी शिफ्ट बटन प्रेस करके क्लिक क्लिक करते जाऊंगी माउस से, सारी मेरी सिलेक्ट हो जाएंगी. डेट कैन बी अ पॉसिबिलिटी. मुझे इसमें से कुछ ही इमेजेस चाहिए, तो मैं उस इमेज को, जैसे मैंने ये सिलेक्ट करी, मेरे को ये वाली करनी है, मैं शिफ्ट बटन को कीबोर्ड से प्रेस करके रखूंगी, माउस से जाऊंगी इसको क्लिक करूंगी, तो यही टो मेरी सिलेक्ट होंगी. और जितनी भी मुझे सिलेक्ट करनी है, मैं इसी तरीके से सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करूंगी. जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगी ना, वो इमेजेस मेरी पूरी प्रेजेंटेशन में ऐसे ऐसे आ जाएंगी. ठीक है, अब इसका जो टाइटल है ना, बाय डिफॉल्ट इट इज इंक्लूड अ टाइटल पेज एंड वन पिक्चर पर स्लाइड. ठीक है, एक पिक्चर पर स्लाइड पर मैं ऐसे देख पाऊंगी. ठीक है, जैसे हमारी प्रेजेंटेशंस होती है, जो जो इमेजेस मैंने सिलेक्ट करी है, से मैंने ये सारी की है, तो वन बाय वन आफ्टर अनदर वो क्या होंगी, सिलेक्ट होती, हर एक पूरी प्रेजेंटेशन में मुझे दिखती चलेंगी. ठीक है, सो आज हम यही इतना ही रहने देते हैं. टेबल्स एंड फोटो एल्बम्स हमने किया है. इन द नेक्स्ट क्लास, इफ यू कैन सी ऑन पेज नंबर 59 इन योर बुक, एनिमेशन इफेक्ट्स. व्हाट आर एनिमेशंस? एनिमेशंस क्या होते हैं? कुछ मूवेबल इमेजेस होती हैं, है ना. एनिमेशंस क्या होते हैं? मूवेबल इमेजेस होती हैं. सो हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. दिस इज द ओनली टॉपिक विच आर लेफ्ट विद इन दिस चैप्टर. सो वॉट इज योर वर्क फॉर टूडे? फ्रॉम पेज नंबर 52 टिल पेज नंबर 58 आपको पढ़ना है. इन एनी केस आपको कोई भी टॉपिक पेज नंबर 52 से पेज नंबर 58 तक नहीं समझ आता है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर करूंगी. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज क्लास. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.